जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी, हम जो टूल देख रहे हैं एक मैथमेटिकल टूल है जो कि कोलैब जियो है, जिसका हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सहयोगी जमाती उपकरण है। और ये जो उपकरण है, इस उपकरण में जो हमारा अभी सीरीज चल रही है, ये 1.0 सीरीज चल रही है। इसके बाद इनकी आगे सीरीज आएगी 2.0, 3.0 एंड सो ऑन। बट बेसिकली कोलैब जियो है क्या? कोलैब जियो जो है आपका एक ऐसा कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें जो आपके बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप इजीली बच्चों को क्लासरूम में समझा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई पीडीएफ ओपन करते हैं क्लासरूम में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही ले लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 6 की अगर आप टेक्स्ट बुक खोलते हैं, तो आप उसमें कोई भी चैप्टर बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो उसके साथ ही आपको राइट साइड पे एक लिंक दिखेगा, आपको एक टैब दिखेगा जिसमें लिखा होगा यूज ज्योमेट्री टूल। तो उस ज्योमेट्री टूल को आप यूज करके आप कोलैब जियो पे विंडो पे आ सकते हैं। जी चंद्र बल्लभ सर, आपका कोई डाउट है सर? आपने हैंड रेज किया है। दीक्षा पे ये मैंने खोला है, कहाँ पे ये जी सर दिखेगा अभी, खुला? जी सर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं अभी आपको एक एक करके सारी चीजें बता देती हूँ। ठीक सर, चलिए पहले अभी हम आते हैं कोलैब जियो है क्या। कोलैब जियो के बारे में अभी हम इस सेशन में पढ़ेंगे, इसके बारे में कोलैब जियो का एक्चुअली क्यों क्रिएट किया गया है, क्या इसका मोटिव है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सिस्टम हमें रिक्वायरमेंट है। इसमें जैसे कि आप लोगों ने कभी जियो जेब्रा अगर एक्सप्लोर किया हो, तो जियो जेब्रा बेसिकली एक ऐसी विंडो है जो आप डेस्कटॉप पे ही यूज कर पाते हैं। बट कोलैब जियो एक ऐसा टूल है आपके पास जो आप मोबाइल फोन से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इवन इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि, और अगर आप देखें जियो जेब्रा में वो फीचर नहीं नजर आता है, और वो फीचर है इसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन। यानी आप इसमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी लर्निंग में कोलाबरेट करवा के आप ऑनलाइन, यानी आप उन्हें लाइव इस टॉपिक को समझा सकते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इसका पर्पस क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और दीक्षा पे ये कोलैब जियो जो है वो कहाँ अवेलेबल है। यूजर इंटरफेस देखेंगे इसका, तो हम यूज कैसे कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस में आप देखेंगे इसमें एक मेन्यू पट्टी यानी मेन्यू बार होता है, एक साइड टूल बार होता है जिसे हम एक्सेस करेंगे और ज्योमेट्री को क्रिएट करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि रियल टाइम कोलैबोरेशन कैसे होता है इसमें। और एक जो लास्ट इसमें दिया हुआ है एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी में आप लोग देख पाएंगे कि अगर आप उसको दीक्षा के थ्रू नहीं जा रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। दारा मैम प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस। जी चलिए जी मैम, थैंक यू सो मच। एको आ रहा है मैम। जी, आई थिंक अब नहीं आ रहा होगा सर। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी जैसे कि बताया गया आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट में जैसे देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन, किसी से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आप मोबाइल फोन में एक्सेस कर लेंगे एक बार ही, अगर आप विंडो पे आ जाएंगे वेब ब्राउजर पे, तो आप उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न वेब ब्राउजर इसका इस्तेमाल करेंगे, गूगल क्रोम होना चाहिए आपके पास फोन में ही, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब फीचर्स आपके फोन में या फिर डेस्कटॉप में होने चाहिए। पर्पस ऑफ कोलैब जियो अगर वो बात करें, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, कोलैब जियो जो है दिक्षा में लाने का मोटिव क्या है। जो एक्चुअली जो अगर हम NEP 2020 की बात करें, तो उसी पर्पस से जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट करा है, तो जो भी लर्निंग है हमारी डिजिटली होनी चाहिए। तो जहाँ हम एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक्स देता है क्लास 6 ऑनवर्ड्स कोलैब जी उन्होंने कोलैबरेट किया है, इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 11, 12 की कोई भी अगर आप ज्योमेट्रिकल सेशन अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, उसको आप रियल टाइम के साथ बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी ये एक इंटरैक्टिव टूल, आप इसमें अपने ऑनलाइन कोलैबोरेटिव 2D ज्योमेट्री टूल जो है क्रिएट कर सकते हैं। सेम जो आप टूल क्रिएट करेंगे, वही विंडो जो है बच्चा जो है ऑनलाइन देख सकता है कि अगर कोई टीचर है क्लासरूम में सर्कल ड्रॉ कर रहा है या फिर कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है, वही सेम जो है बच्चा घर बैठे भी
अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो भी वो सेम जो आप ज्योमेट्रिक रिंग क्रिएट करेंगे एंटिटी, वही बच्चों को भी नजर आएगी। इसके साथ देखिए, इसमें एक्सप्लेन एंड प्रैक्टिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो हम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे एक इंटरैक्टिव टूल है, हम बच्चों जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हम बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी उनका जो अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के, आप सभी इसी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो यूजर है वो भी अपनी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, मोबाइल फोन से भी कर सकता है और डेस्कटॉप से भी कर सकता है। फीचर्स की बात करें, फर्स्ट जो फीचर है टीचर्स के लिए कि इसमें यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएट कर सकती है टीचर्स। सेकंड, जैसे कि राहुल सर ने पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं सर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट का, तो यहाँ पर ये इंग्लिश और हिंदी में दो अलग लैंग्वेजेस में ये देते हैं, विंडो प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओपन एंड सेव का ऑप्शन है, इसके साथ साथ जो भी आपने ज्योमेट्रिकल एंटिटी क्रिएट करी होगी उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। फोर्थ है कोलैबोरेट, करूंगा फोर्थ इज कोलैबोरेट। सो कोलैबोरेशन में आप मोर देन मैक्सिमम आप 50 स्टूडेंट्स को अपनी ज्योमेट्रिकल एंटिटी में एंटर करा सकते हैं। जी, किसी को वॉइस दिक्कत आ रही है, देख पा रही हूँ चैट बॉक्स में नाम, प्लीज वॉइस इज नॉट सो गुड, यस वॉइस मैम इज वेल, अच्छा लो आ रही है, ओके अब आ मैम रही है इको मैम ठीक से, आवाज मैम मैम इको हो रहा है आवाज में मैम आवाज इको हो रहा है जी जी मैम और पहले से स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से। आई थिंक मैम आप एक बार ही अपना भी नेटवर्क चेक कर लीजिए, बिकॉज और नहीं किसी के नहीं एंड मैम से नहीं हो रहा दिक्कत है नहीं आ रही, जी और किसी के एंड से दिक्कत नहीं आ नहीं नहीं रही है नहीं आ रही मैम, है इको हो रहा है, इको हो रहा है। हाँ जी नहीं हो रहा है मैम ओके, मैं कोशिश करती हूँ माइक्रोफोन को अपने पास में लाने की ताकि ईगो कम हो इसमें। मैडम सब ठीक है कोई नहीं हो रहा ठीक मैडम है ये मैम, क्लियर है मैम दीक्षा विद कोलैब जियो, दीक्षा विद कोलैब जियो की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन, कोलैब जियो का इंटीग्रेशन दीक्षा में किस वजह से किया गया है, क्योंकि पानी ना आजकल दीजिए हम पानी देखते थोड़ा हैं, कुछ जी आजकल हम देखते हैं कोई भी इनोवेटिव टूल है सब कुछ डिजिटली हम बात करते हैं, कोई भी अगर एनहेंसमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन से बात करते हैं, तो सब जगह हमें डिजिटल की बात करते हैं, तो ये भी एक ऐसा इनोवेटिव ऑनलाइन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री टूल बनाया गया है, ताकि उसको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और दीक्षा प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, एक इजी प्लेटफॉर्म है, एक फ्री टू इजी एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इस टूल को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। आप देख रहे हैं ये एम्पावर करता है एजुकेटर्स को और स्टूडेंट्स को ताकि वो यूज कर सके ज्यादा से ज्यादा कोलैब जियो का अपने इंटरैक्टिव लेसन्स में या इंटरैक्टिव फीचर्स के साथ उसका यूज कर सके। एजुकेटर्स गेन द एबिलिटी टू क्रिएट द डायनेमिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स, इवन जो टीचर्स हैं एजुकेटर्स हैं उनको भी एबिलिटी आएगी ताकि वो भी एक डायनेमिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स जो है इजिली क्रिएट कर सके। कई बार कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो हम टीचर्स जो है वो इजिली नहीं क्रिएट कर पाते हैं, या फिर हम बच्चों को विजुअलाइज नहीं करवा पाते हैं, लेकिन कोलैब जियो के माध्यम से आप उस ज्योमेट्रिकल एंटिटी को इजिली कोलैब जियो में समझा सकते हैं, इवन आप घर बैठे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो बच्चों को जो है उनको काफी बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि इंटरेक्टिव लर्निंग है, इंटरेक्टिव लर्निंग से बच्चे बहुत जल्दी सीख पाएंगे इस प्रॉपर्टी, या फिर हम एक सिंपल सा हम सर्कल ही ले लेते हैं टॉपिक, एक सर्कल टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज है वो बच्चों को समझाने में हमें इतना वक्त लग जाता है, लेकिन इस टूल के माध्यम से आप इजिली बच्चों को सर्कल की प्रॉपर्टीज या फिर ट्राइंगल या जितनी भी ज्योमेट्रिकल हमारी प्रॉपर्टीज है आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ कोलैब जियो और दीक्षा एनहांसिंग एजुकेशन लैंडस्केप बाय प्रोवाइडिंग द कोलैबोरेटिव, जो मेन जो उसमें बार बार एक ही पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है जो कि है कोलैबोरेटिव एंड इंटरेक्टिव, तो ये कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं।
जी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर एक वीडियो भी करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको लार्ज लोगों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, वीडियो चलिए, वीडियो अभी आपको दिखा दी जाएगी। से पहले हम देख लेते हैं आपको क्या स्टेप्स, आपको कैसे आप इसको एक्सेस करेंगे। आपको पहले दीक्षा पोर्टल जस्ट टाइप करना है, ठीक है? गूगल फॉर्म जब आप ओपन करेंगे, दीक्षा प्लेटफॉर्म आप एक्सेस करेंगे, जो आप स्क्रीन पर विंडो देख रहे हैं वो विंडो है दीक्षा का, होम पेज विंडो है। इसमें आप राइट साइड पे आप ऑप्शन देखेंगे एक्सप्लोर दीक्षा। एक्सप्लोर दीक्षा पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, आप नेक्स्ट विंडो पे आएंगे, उसपे लिखा होगा डिजिटल टेक्स्ट बुक्स। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं राइट ऑल द डिटेल्स है। सो बेसिकली जो आपका कोलाज आपको अवेलेबल है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, तो आपको यहाँ पे बोर्ड मेंशन करना होगा, मीडियम क्लास 6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एंड पब्लिशर आप टाइप कर सकते हैं। तो फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लास 6 की टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वो दिख रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बुक पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो ये नजर आएगी स्क्रीन पे, इसमें लिखा होगा यहाँ राइट साइड पे यूज ज्योमेट्री टूल। यूज ज्योमेट्री टूल पे क्लिक करने के बाद ही आपको कोलाज विंडो नजर आप लोग देख पा रहे हैं। आई थिंक आप किसी ने ट्राई किया है अभी सेशन के दौरान। हाँ, यस क्या मैम, आप, मैं ट्राई कर रहा हूँ जी मैम उसको। जी जी मैम, आप जी, आप लोग भी ट्राई कीजिए, जल्दी से आइए, फिर हम यूजर इंटरफेस हम यूज करेंगे। हम दिशा में सर्च के इसमें जाके कलाजियो लिखे तो भी होता है ना? नहीं मैम, उसमें ना ज्योमेट्री टूल करके एक्चुअली उन्होंने सेपरेट उसका नेम नहीं दिया है कोलाजियो, वो आपको ज्योमेट्री टूल पे जाना होगा जो कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार फिर जी से सर, दिक्कत ओपन करके बता दीजिए। जी सर, मैं अभी आपको बता देती हूँ। स्टेप ओके वन, आई थिंक स्टेप 1 तक सभी लोग आ चुके हैं वन पेज पे। नहीं, ये हाउ टू नेवी, ये वाला तो दीक्षा ओपन होता है तो दीक्षा का ही पेज आता है। जी, इसमें हाँ सर मैम, राइट साइड पे आप देखेंगे एक्सप्लोर दीक्षा। हाई गेस्ट बोल के आ रहा है, ब्राउज बाय कैटेगरी नेक्स्ट आ रहा है। ओके, आप डैशबोर्ड आपके पास आ रहा है, आप डैशबोर्ड आपको क्लास 6 की बुक ओपन करनी है एनसीईआरटी टेक्स्ट। आप डैशबोर्ड ये जो देख रहे हैं आप, डैशबोर्ड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जो डिजिटल टेक्स्ट बुक है आप क्लास 6 की डिजिटल टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। ओके ओके जी ठीक है, उसी में ही राइट साइड पे यूज ज्योमेट्री टूल, ठीक है? जैसे ही आप लोग ज्योमेट्री टूल पे क्लिक करेंगे आपको ये विंडो नजर आएगी जो कि कोलाजियो की विंडो है। एक्सक्यूज मी मैम, जो मैम जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ तो दीक्षा में, मैं जैसे दीक्षा को मैंने एक्सेस किया है तो क्लास 1 टू 5 किया है, क्या उसमें भी ये ऑप्शन है कोलैब जियो? इसमें अभी ऑप्शन नहीं है क्लास 6 ऑनलाइन, तो आप ऐसा कर सकती है ना। मैम एक्सप्लोर दीक्षा में जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे मैम? मैम एक्सप्लोर दीक्षा में गए, इसके बाद फिर कहाँ जाएंगी मैम? मैम डिजिटल टेक्स्ट बुक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। हेलो, हेलो, जी मैम, हाँ जी, डिजिटल टेक्स्ट बुक आपको सेलेक्ट करनी है क्लास 6 की। डिजिटल जी मैम, ये लैपटॉप पे नहीं आ रहा है एक्सप्लोर ऑप्शन? आएगा, लैपटॉप में भी आएगा, आप उसको क्लिक करिए। ओके, आप अगर थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर वाया दीक्षा आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पहुंचने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट कोलाब्जियो टाइप करिए। कोलाब्जियो में जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा गूगल से, आप उस पर आ जाइए, तो आपका विंडो ओपन हो जाएगा कोलाब्जियो का। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी।
मैम कोलार जीओ इंटीग्रेशन विद दीक्षा से ओपन हो जाएगा क्या? जी। जी, थैंक यू मैम। ये बढ़ते हैं यूजर फेस में। आप देखेंगे जो यूजर इंटरफेस है उसमें जो टॉप में आप चार ये जो देख रहे हैं ये एक मेन्यू बार है। मेन्यू बार को ओपन करते ही इसमें आपको फाइल ऑप्शन आएंगे कि आप अपनी जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर जो आपने जो इलेक्ट्रिकल एंटिटी बनाई है उसको आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका, संपादित करें, दृश्य सहायता, एक यूजर गाइड भी उन्हें प्रोवाइड करी है कि अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं इस टूल का प्रयोग करते करते तो आप उस यूजर गाइड का इस्तेमाल करके आप जो ज्योमेट्रिकल एंटिटी जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है उसकी और क्रिएशन में तो वो आप देख सकते हैं। मेन्यू बार में जब जैसा कि अभी आपको बताया फाइल ओपन करते ही ये सब ऑप्शन आएंगे। ये मैंने हिंदी, क्योंकि ये हिंदी का सेशन है तो हिंदी में कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, तो हिंदी में आपको सब ऑप्शंस ऐसे नजर आएंगे कि फोन है यानी कोई भी एंटिटी है आप उसको जैसे ओपन कर सकते हैं, सर्च सकते हैं, चित्र जोड़ सकते हैं। चित्र जोड़ना यानी अगर आपके पास कोई इमेज है तो कोई डाउनलोडेड इमेज है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आयात करें, छापे यानी कि प्रिंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसका चयन कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने एंटिटी क्रिएट करी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी हम लाइव भी देखेंगे कि हमें कैसे करना है। ये तो एक शॉर्ट में आपको बताया गया है स्क्रीनशॉट्स के जरिए। इसी के साथ आई थिंक आगे बढ़ते हैं ताकि जब आप लोग लाइव देखें तो उसको जब एक्सेस कर पाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जो लेफ्ट साइड पे आपने देखा था साइड टूल बार में आप देखेंगे इसमें पॉइंट या फिर लाइन सेगमेंट या मिड पॉइंट, सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना हो या सर्कल रेडियस या सेक्टर हमें ड्रॉ करना हो, इवन हमें कोई एंगल या फिर टेक्स्ट ऐड करना हो ज्योमेट्रिकल एंटिटी में, तो ये सब ऑप्शन अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, एक एक हम एंटिटी क्रिएट करके देखेंगे। इसके साथ साथ ज्योमेट्री क्रिएशन में अगर हम देखें क्या क्या चीजें जो हम क्रिएट कर सकते हैं, हम मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट, पॉलर रे, इनफाइनाइट लाइंस, पॉली लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन विद गिवन रेडियस, इवन इलिप्स, मिसलेनियस में आप कोई भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड स्केच है, एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, एंड इवन जो लास्ट आप ऑप्शन देख रहे हैं मेजरमेंट का, जो आपने एंटिटी क्रिएट करी होगी अगर आपको उसकी लेंथ भी जाननी है आप लेंथ ऑप्शन पे क्रिएट करके, जैसे आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी उसकी लेंथ आप जानना चाह रहे हैं, लेंथ ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसकी लेंथ भी जान सकते हैं। इसके साथ साथ रेडियस, रेडियस में आप अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया लेकिन आप उस सर्कल का रेडियस जानना चाह रहे हैं तो रेडियस पे क्लिक करके आपको उसका रेडियस पता चलता है। बड़े तो रियल टाइम कोलैबोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो रियल टाइम कोलैबोरेशन बेसिकली है क्या? इस फीचर के साथ साथ आप जो यूजर है वो कनेक्ट कर सकता है वेब एप्लीकेशन सर्वर को और उसको शेयर कर सकता है। मान लीजिए मैं कोई ज्योमेट्रिकल एंटिटी क्रिएट कर रही हूँ, उस एंटिटी को मैं अपनी विंडो को शेयर कर सकती हूँ ऑनलाइन सेशन को, ताकि अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो बच्चे जो है वो भी अपना ज्योमेट्रिकल एंटिटी क्रिएट करें और मेरे साथ शेयर करें। उनकी ज्योमेट्रिकल एंटिटी जब आप देखेंगे वहां पर दिखाई गई है, जैसे कि फर्स्ट जो विंडो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट जो विंडो है ये टीचर ने क्रिएट करा है, और राइट साइड पे जो आप ये पिंक कलर का जो देख रहे हैं ये जो सेकंड यूजर्स जो था उसने क्रिएट करा है। तो फर्स्ट जो जैसे कि आप देखेंगे जो टीचर है वो जान सकती है कि बच्चे ने क्या एंटिटी यहाँ पे क्रिएट करी है, एंड इवन जो सेकेंड जो यूजर है वो भी जान सकता है कि टीचर ने क्या एंटिटी क्रिएट करी है। तो इसके माध्यम से आप कोई भी टॉपिक है बच्चों को बैठे बैठे पूछा सकते हैं। आप कोलैब जीओ जो है आप उसको दीक्षा से भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप उसका डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिंक भी दिया है, आप जस्ट टाइप करेंगे, आप गूगल पे जाके आप जब टाइप करेंगे colabgeo.nic.in तो आप लोग डायरेक्ट इस विंडो पे आ जाएंगे। आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होगा, आई थिंक सब विंडो भी सभी ने ओपन कर ली होगी। इसके अलावा अगर किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए, फिर हम इसका हैंड्स ऑन करेंगे। जी मैम सॉरी मैम, जी इसमें पैरेलल लाइंस और वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जी उससे मैं जियो जेवरा में क्योंकि काम जी करता हूँ तो उससे मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अगर उस पर बाद जी में आप फोकस कर देंगे तो जी क्लियर हो सर गया। जी, अभी वो थैंक बताया जाएगा सेशन के दौरान।
थिंक मैंने जी जब मैंने जी लैपटॉप से कोलैब जियो पर सीधा जाके इसको खोला है तो उसमें क्लास इज नॉट कमिंग, बाकी फीचर्स तो इसके आ रहे हैं। आई थिंक वो आपकी ऑलरेडी कोई क्लास नहीं है, मेरी इस वजह से वो दिखा रहा है, अदरवाइज तो विंडो सेम ही रहती है जैसे अभी आपको दिखाई दे रही है। ओके चलो आई चेक इट आउट। मैम आई वॉजंट एबल टू एक्सेस इट थ्रू माई दीक्षा ऐप, सो आई वेंट थ्रू दैट URL दैट यू हैव गिवन। तो वहां पे ना मैं फाइन तो डायरेक्टली आई जस्ट गेट दैट लाइक असाइनमेंट क्रिएट इंटरैक्टिव ज्योमेट्री क्रिएशन उस तरह ओके, का। देन आफ्टर दैट यू कैन टैप एनीवन, आप ऊपर देखिए कुछ टैप्स नजर आ रहे होंगे रेक्टेंगुलर शेप में, बिल्कुल पतले पतले, आप जब उस पर क्लिक करेंगे या फिर बिल्कुल राइट साइड पे आप देखेंगे एक्सप्लोर कोलैब जियो 1.0 आ रहा होगा, तो जब आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे आ जाएंगे। ओके मैम, ओके थैंक चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सभी लोग समझ गए हैं कि कोलैब जियो बेसिकली है क्या। कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं एक्टिविटीज के यहाँ पे क्रिएट की गई है, जैसे राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल, काफी सारी यहाँ पे एंटिटीज क्रिएट की गई है। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डाउट है दीक्षा के थ्रू कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक वीडियो भी जैसे यहाँ पे क्रिएट की गई है, वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। अच्छा देखो जी एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे प्रिपेयर की गई है कि वाया दीक्षा आप कोलैब जियो को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो हो सकता है कि मैं नेटवर्क इश्यू हूँ जिसकी वजह से आप लोग दीक्षा के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं। जी देखिए आप लोग, जैसे कि हेलो जैसे ही आप लोग रिक्शा होम पेज पे आएंगे आपको यहाँ राइट साइड पे दिखेगा एक्सप्लोर दीक्षा, आप लोग एक्सप्लोर दीक्षा पे क्लिक करेंगे। नहीं आप हेलो जी सर, एक्सप्लोर दीक्षा पे क्लिक करने के बाद आप डिजिटल टेक्स्ट बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप टेक्स्ट बुक सिलेक्ट कर लीजिए, मीडियम सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर क्लास सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट हम लेंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्लासेस, देन हमारे पास आएगा यूज ज्योमेट्री टूल। ज्योमेट्री टूल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कोलैब जियो विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। अगर आप सेशन के दौरान नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कोलैब जियो को डायरेक्ट गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं जी। महाराष्ट्र से आनंद कुमार सर जी, बताइए सर। आनंद मैडम कुमार सर मोबाइल जी, एप्लीकेशन ओपन करना है, सर मोबाइल ऐप से भी आप कोलैब जियो जस्ट टाइप मोबाइल करिए। एप्लीकेशन ओपन करना ओके कोलैब जियो करिए, है। टाइप करिए कोलैब जियो, ओके कोलैब जियो में जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पे क्लिक देन करिए।
फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते ही, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते ही आप वीडियो विंडो पे। जी वीडियोस आते हैं मैडम। जी सर, हेलो मैम, वीडियोस आते हैं मैडम। हेलो जी जी सर, प्लीज आनंद कुमार मैम, सर, प्लीज वीडियो वीडियो प्ले हो वन रहा पर्सन, एक वन टाइम में वन पर्सन प्लीज बात करिए। हाँ जी सर, है। यस मैम, यस मैम, आई एम स्पीकिंग। हाँ वीडियो ओपन हो, वीडियो का लिंक आ रहा है मैडम, यूट्यूब वीडियो वीडियो का। का लिंक आ रहा है, वीडियो लिंक नहीं करना, नहीं कोलैब जियो पर, कोलैब जियो 1.0 लिखा हुआ है सर, आप उस पर मैम क्लिक बोलो मैम, कीजिएगा। आप एक काम कर सकते हैं सर, अभी हेलो मैम, मैं बोलो। हेलो बोलिए कल्पेश नहीं हो पा सर। रहा है मैडम। मैम हाँ मैं ये जी दीक्षा में है ना, अब दीक्षा में पहले से हमने लॉग इन किया है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, पर गूगल से अच्छा, डायरेक्ट हो बिल्कुल जाता है मैम। मैंने गूगल मैं से उनको यही ओपन कर समझा लिया। रही हूँ कि हाँ मैं गूगल से गूगल ही से, करेंगे। हाँ गूगल से तुरंत हो जाता है, मैंने ओपन कर जी लिया सर। जी क्योंकि जी स्कूल में भी वो सर, लॉग इन होता है ना, तो मैं बिल्कुल दो, सर, दीक्षा इसी वजह से सर थोड़ा, हाँ मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कि दीक्षा से थोड़ा ओपन करने में मैं हमें समय ओपन लग कर रहा है लिया। और समय की कमी है, इस वजह हाँ से आपको जल्दी से बताया जाए ताकि हम उसके फीचर्स ज्यादा से ज्यादा। पर मैम ये दिक्कत तो है, जरा आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं जी दीक्षा है ना, सर, लगे हुए काफी हैं सर, अरे काफी साल से कर रहा हूँ, पर दो क्लास में ऊपर नीचे लॉगिन होता है ना, तो ये प्रॉब्लम होता है, मैं इतना देखा है मैम। थैंक जी सर, उसी पे ही काम चल रहा है यार, और यू। क्योंकि इसमें काम ज्यादा चल रहा है दीक्षा पे, तो इस वजह से ही थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं इसमें, ओके ओके, बट जल्दी इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाएगा कि आप लोग पलाजियो का इस्तेमाल कर सके। चलिए थैंक यू। सर, जी सर, हाँ अब हम, चलिए इसके साथ साथ अब हम देखते हैं, अभी हमने जैसे कि प्रेजेंटेशन में देखा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 0.9 सर्कल रेक्टेंगल पॉलीगन, ये सब हमारा साइड टू मेन्यू बार है। उसके साथ साथ ऊपर आप देख रहे हैं फाइल, फाइल में जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कोई भी फाइल जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है आपने ऑलरेडी क्रिएट करी थी वो फाइल ओपन हो जाएगी। सेव एज ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप कोई भी फाइल जो है उसको CGJ फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इवन अगर आपको किसी को एक्सपोर्ट करनी है, हाँ, किसी को भेजनी है अगर वो फाइल, आप उसको SVG फाइल फॉर्मेट में भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिट ऑप्शन, इसमें फर्स्ट जो है वो है सिलेक्ट, आप कोई भी जो जो मेडिकल एंटिटी बनाई है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई ऑप्शंस भी हैं, आप उस एंटिटी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, देन अगर आपको एंटिटी नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू, व्यू में आपके पास है टाइटल, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए सर, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। जी एक मिनट, म्यूट कर लीजिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जब आपके पास कोई डाउट है तो ही आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी धन्यवाद सभी को। आगे है इसमें जैसे यूजर गाइड, जो अभी आपको बताया गया था, अगर आप कोलैब जीओ का यूज करना चाहोगे उससे पहले आप यूजर गाइड जो है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, यूजर गाइड, यूजर गाइड में ऑप्शन आएगा आपके पास डाउनलोड का, तो ये अभी जैसे मैंने यूजर गाइड डाउनलोड करी है, यूजर गाइड में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आप कोलैब जीओ का यूज कैसे कर सकते हैं और कब का यूज होगा। जी आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें यूजर इंटरफेस, ज्योमेट्री क्रिएशन सब कुछ है इसमें, लाइन के बारे में बताया गया, अगर आपको लाइन क्रिएट करनी है जैसे कि अभी सर वो पहले लाइन्स में दिक्कत आ रही थी, सर आप यूजर गाइड का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आप पहले लाइन्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं जरा
अब उसे 1 मिनट थोड़ा कॉस्ट होगी, जस्ट अ सेकंड, तो आते हैं सब लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। यूजर गाइड आपके पास अभी ऑप्शंस है कि हम पोलाचियो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं और किस पॉइंट पे कैसे क्रिएट करें, हमें पैंटनाइज प्लेट करनी है, पेंडिकुलराइज प्लेट करनी है, सब इजिली यूजर गाइड के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए हम इस पर लगा जी। चलिए वापस हम मिनट पे आते हैं। आगे हम देखें इसमें पॉइंट, जैसे कि आप लोग टॉप पे देख रहे हैं ये मेन्यू बार है, अगर आपको पॉइंट क्रिएट करने हैं तो आप ये पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको मिड पॉइंट क्रिएट करना है उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, देन मिड पॉइंट जो है क्रिएट हो जाएगा। प्लीज टूल बार इसमें मेन्यू जो हमें दिया हुआ है ये शॉर्ट कीज है जो कि डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जो आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कोलाब जियो, कोलाब जियो में आप यहाँ पे अगर आप कोई भी एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसको नेम दे सकते हैं, तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लाइक मानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिस टाइप में, उसके बाद क्रिएटेड बाय आप अपना नाम वाम दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिखा हूँ और आज की डेट आ जाएगी। फर्स्ट जो फीचर है, अगर आप लोग कहीं स्टक होते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड बिल्कुल बॉटम में ऑप्शन भी आता है इन्फॉर्मेशन जो है कि अगर आपको पॉइंट क्रिएट करना है तो क्लिक 2 पॉइंट्स ऑन योर कैनवस, अगर आप मिड पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पहले कैनवस पे 2 पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे, ये हमने 2 पॉइंट क्रिएट करते ही हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लाइन में लाइन सेगमेंट है हमें ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए क्लिक 2 पॉइंट्स ऑन द कैनवास टू क्रिएट अ सेगमेंट, सेगमेंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने क्रिएट करें लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। इसके बाद में पोलर, पोलर क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको लेंथ यहाँ पे मार्क करनी होगी, लाइक लेंथ हमने मार्क करी है 12 और एंगल हम यहाँ ले लेते हैं 45 का, हमारे पास एक पोलर जो है क्रिएट हो गया। राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे अंडू का भी ऑप्शन है, अगर आप इसको अंडू कर चाहते हैं तो भी कर सकते हो अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी को, और इसको रीडू भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो विंडो क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर का ऑप्शन है, आप पूरी विंडो को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये सेटिंग्स का साइन, इसमें आप जब ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हाइट ग्रिड आएगा, जो ग्रिड है आप उसको हाइट भी कर सकते हैं, आप जो लोग जियो जेब्रा का यूज कर रहे हैं तो जानते होंगे कि अगर ग्रिड हमें ऑफ करना है तो के अंदर भी वो फीचर है। फॉन्ट फैमिली, आप कोई भी फॉन्ट फैमिली जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जूम इन, आप जो भी जियोमेट्रिकल एंटिटी क्रिएट करी होगी उसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लैंग्वेज अभी जैसे कि बात हो रही थी, लैंग्वेज सपोर्ट करता है सिर्फ दो ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, तो अगर अभी मैं हिंदी में क्लिक करूंगी तो आपकी जो जो मेट्रिकल शिक्षा है हिंदी में बदल जाएगा, तो आप यहाँ फाइल संपादित करें, शेयर सहायता इसमें कुछ आप हिंदी में कन्वर्ट करें, कैनवास साफ करें हिंदी में, अगर आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं तो हिंदी के लिए सभी तो बच्चों हैं। अभी हम इसको चेंज करते हैं भाषा में, इंग्लिश भाषा में चेंज करते हैं, आगे अगर हम बढ़े तो ग्रेड भी इसमें चेंज कर देते हैं, शो ग्रेड पे क्लिक कर देते हैं, तो ग्रे अगर हमें ड्रॉ करनी है, ग्रे ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्लिक करना है, देन पॉइंट ऑन अरे सिलेक्ट हो जाएगी, इनफाइनाइट लाइंस के लिए क्लिक द स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट, आप स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट आप करके आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉली लाइंस के लिए
लेकिन आप देखेंगे अगर आप इसको रिमूव करेंगे चलेगा, अगर आप वहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। आई होप सभी लोग सुन पा रहे हैं इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, और कुछ लोग आई थिंक कर भी रहे हैं। मैम आई जस्ट मुझे इतना था कि आई एम नॉट एबल टू गेट द पॉइंट, मतलब वो लैंग्वेज फाइल एडिट व्यू वो होता है ना, वहां पे किस चीज को क्लिक करना है मुझे? मैं आपको जाना चाहती सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो एक वो जो हूँ ऑप्शंस ऊपर आ रहे हैं लैंग्वेज जी। फाइल एडिट नहीं व्यूज, उसमें से मुझे क्या करना है? मैं मैम, आपको जो एडिट का जो एडिट ऑप्शन आ रहा है वहां पे नहीं दिखेगा, आप नीचे जब आएंगे नीचे लेफ्ट साइड पे, या फिर अगर आप फोन से एक्सेस कर रहे हैं तो ऊपर टाइटल बार में आपको ऑप्शंस ऐसे साइन नजर आएंगे, उन साइन में जब आप लाइव सेगमेंट पे क्लिक करेंगे ओके यानी दोनों एंड पॉइंट्स पे, तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए मैम हमें दो पॉइंट तो प्लॉट करने ही पड़ेंगे, जब आप दूसरे पॉइंट प्लॉट करेंगे तो लाइन सेगमेंट बनेंगे। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट गेटिंग दोज पॉइंट्स, वो सब वो दिख नहीं रहा है मेरे स्क्रीन पे। फोन नहीं मैम, सिस्टम से कर रही है आप फोन से कर रही से कर रही है? हूँ, फोन से कर रही हूँ। अच्छा फोन से कर रही है, मे बी शायद विंडो आप ओके, आप लेफ्ट साइड पे उसमें कुछ ऑप्शन आ रहा हो केक का, आप देख पा रहे हो? लेफ्ट साइड में तो मतलब नहीं, लेफ्ट साइड में तो यही आ रहा है ना, लैंग्वेज फाइल वो सब वो आ रहा है ऊपर, ठीक और उसके नीचे कोलैबोरेट और डिस्कनेक्ट है, और वो ग्राफ है, ग्राफ का पेज आ रहा है, ब्लैंक ग्राफ का पेज। ग्राफ के राइट साइड पे कौन सा पेज आ रहा सॉरी मैम, नीचे आ रहा है मैम, स्क्रीन के नीचे, मतलब देयर इज अ ब्लू एरिया, वो ब्लू एरिया के है? नीचे आ रहा है। अच्छा कोई और जो देख सुन पा रहे हो जो फोन से जुड़े हैं कुछ लोग, कोई और पार्टिसिपेंट है जो फोन से जुड़ा हुआ है, कोई आप जी हो जो फोन से एक्सेस कर रहे यस हैं? यस यस मैम, मैं भी जुड़ी हुई हूँ, हाँ बट जी मुझे भी वही अच्छा प्रॉब्लम आ रही है जो मैम ने कहा, मुझे एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ना लेफ्ट में ना राइट में। अच्छा ठीक है मैम, मैं 1 मिनट में फोन से कनेक्ट करती हूँ, मैं अभी आपको ओके बता दूँ। एक्सक्यूज मी मैम, जी सर, आप लोग अगर उसमें डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो शायद आपको वो दिख जाएगा फोन में। जी मैम आप सुन पा रही हैं? सर ने आपकी क्वेरी करी है, जी आई थिंक मैंने भी मैम फोन से एक्सेस किया है, तो फोन में एकदम टॉप हाँ पे ही मैम जो सिंबल्स आप देख रही हैं ना, ए और लाइन सेगमेंट सर्कल, मैम इन्हीं मैम, सिंबल से आप क्रिएट कर सकती हैं। मोबाइल में ऊपर थ्री लाइन्स दिखा रही हैं, उस लाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो लैंग्वेज फाइल एडिट व्यू हेल्प और क्लियर का लैंग्वेज ऑप्शन है। कोलैबोरेट डिस्कनेक्ट के नीचे आप देखेंगे जो सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं उन सिंबल से आप ज्योमेट्रिकल एंटिटी बना सकते हैं। आपको लिखा हुआ जी नजर आ रहा होगा ए, और ऐसे लाइन सेगमेंट बनी हुई होगी, ड्रॉ हुई हुई कुछ छोटे छोटे सिंबल्स होंगे, वो टाइटल बार है। ठीक ओके मैम, मिल गया मिल गया, थैंक यू। है चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट अगर हमें पैरेलल एक और लाइन, परपेंडिकुलर जी सर लाइंस का बता दीजिए कैसे बनेगी। जी सर, परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सो परपेंडिकुलर पे हम ड्रॉ क्लिक करेंगे, उसके लिए हमें पहले लाइन सेलेक्ट करनी है, देन हमें पॉइंट सेलेक्ट करना है। सो लाइन और पॉइंट सेलेक्ट करते ही परपेंडिकुलर लाइन, जैसे अभी मैंने सेलेक्ट करी तो इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है, इस पे क्लिक करते ही आपकी वो फिक्स हो जाएगी लाइन। सेम ऐसे ही अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए उसके लिए आपको प्रॉपर पिन, जैसे एक लाइन सेगमेंट हमें चाहिए पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो पहले अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसका हम पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको लाइन पे क्लिक करना होगा तो आपके पास पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। लास्ट P13 जो है जी सर, मैंने परपेंडिकुलर जस्ट अभी करके दिखाया अभी आपको, मैं फिर से करके दिखा देती हूँ जी, अंडू करके मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले सर मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सर आपको पता है?
आपको दो पॉइंट, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है एंटिटी पे, तो सेकंड पॉइंट आप दूसरी तरफ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्लिक करते ही लाइन सेगमेंट आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, लाइन पे क्लिक करते ही आपका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आएगा। एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ये कर रहे हैं इस पे काम, तो बच्चों को क्या आप ट्राई सिखाना चाह रहे करें, हैं, मतलब हम बिल्कुल बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, मैं भी अभी इस पॉइंट पे ही आ रही थी। तो आप सभी लोगों ने ये विंडो अभी थोड़ी बहुत तो एक्सप्लोर कर ली, ठीक है? थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं कि ये गुलाब जो है एक्चुअल में है क्या, है ज्योमेट्रिकल टूल है, लेकिन इसमें ऐसा क्या स्पेशल फीचर है हम बच्चों को भी उस फीचर से एनरोल कर सके, उनको समझा सके। आप सभी लोग देख रहे होंगे जो कोलैबोरेट करके जो ऑप्शन है, देख रहे हैं आप सब लोग? सो कोलैबोरेट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ आएगा शेयर यूआरएल फॉर कोलैबोरेशन। जी कोई अपने आप अनम्यूट करके बताए। हाँ मैम, ये बिल्कुल देख लिया ये मैंने। हाँ जी इस लिंक को कॉपी यानी क्लिक करेंगे इस लिंक को, और यहाँ आप राइट साइड पे देखेंगे पर्सन बना हुआ है, यानी अगर मुझे किसी को ऐड करना है तो मैं यहाँ से किसी को ऐड कर सकती हूँ, यानी मैं जो ज्योमेट्रिकल एंटिटी बना रही हूँ उसमें मैं किसी को ऐड कर सकती हूँ। और सेकंड जो है ये मेल है, शेयर कर सकते हैं वाया ईमेल, मतलब मेरे जो लिंक जो मैंने क्रिएट करा है उसको मैं मेल के थ्रू इनको मेल भेज सकती हूँ, जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगी मेरे, आप लोग देख पा रहे हैं मुझे जिसको भी भेजना है। अगर मैं आप में से किसी का जानना चाहूँ तो ईमेल आईडी जो मेरे साथ जुड़ी रहेगी, मैं एक से दो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप ईमेल आईडी बताइए अपने। हाँ जी मैम, मुकेश जी सर, मोबाइल MUKESH NUKESH 1515010 अंडा। पंद्रह पंद्रह जीरो दस जी सर पूरा आगे, बोला है मैंने ये। हाँ जी, और थैंक @gmail.com। यू सो मच सर। चलिए अभी आप मेल कर देते हैं सर। आप इस मेल के जरिए आप इस लिंक को ओपन करिएगा और आप जो मैंने जो क्रिएट करी है ज्योमेट्रिकल एंटिटी उससे आप जुड़ सकते हैं। और भी कोई करना चाहे? नहीं मैम तो ये व्हाट्सएप पर शेयर नहीं हो सकता है क्या? सर, मैम मैंने व्हाट्सएप पे भी लिखा है, शेयर मैंने लिखा है मेरा चैट में के चैट में पी लिखा है। जी सर, एक कैप्योर सेकेंड में कैप्योर। देखती हूँ। जी सर, व्हाट्सएप पे कैसे शेयर होगा मैम? सर जो ये लिंक है ना, लिंक में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में, लेकिन एक बात है हमारे साथ इस कोलैबोरेशन में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही जुड़ पाएंगे, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा काफी मिक्स भी हो जाए, बट हम एक टीचर है वो हम देख सकते हैं, इसलिए मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैम मुझे पूछना था कि अभी भी हम जो कर रहे हैं सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे, वो कोलैबोरेटिवली कर रहे हैं ना, मतलब सभी बिल्कुल की स्क्रीन पे वो सब आ रहे हैं ना, जो जो जी। कोई। ओके थैंक यू। तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, जो आई थिंक लिंक मिला है सभी को। मेरे साथ काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, मेरी जो यहाँ एंटिटी है मेरे पास ये जो नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग विंडो पे देखेंगे यहाँ राइट साइड पे काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 10 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 11 एंटिटी अगर नजर आ रही होगी ज्योमेट्रिकल एंटिटीज। मुझे समझ में नहीं आया कहाँ पे आएगा, मेल आई है क्या मेरे को? चैट बॉक्स ओपन करिए, चैट बॉक्स में मैंने विच चैट लिंक बॉक्स? शेयर सर, इसी मीटिंग का चैट बॉक्स सर। व्हाट्सएप पर कैसे शेयर होगा मैम? आप में से कोई जो व्हाट्सएप पे शेयर करे ये हमारा
जी से चैट बॉक्स ओपन करेंगे तो उसमें लिंक आएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप भी इस एंटिटी में आप आ जाएंगे। बिल्कुल, आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे कलर्स जो है, जो आप लोग ज्योमेट्री की एंटिटी बना रहे हैं, मेरे पास कलर चेंज करके ऑप्शंस आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने जो भी क्रिएट किया है, काफी सारी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरी जो विंडो है उसमें कलर चेंज आ रहा है, किसी जैसे कोई ब्लू कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है जुड़ चुके हैं, 26, 27 काफी सारे लोग आई थिंक इसका अनुभव ले रहे हैं। बिल्कुल, आप में से कोई अनम्यूट करके बताए जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। जुड़े हैं हमारे साथ। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो जी आपने जो यूआरएल शेयर बिल्कुल, किया था इसमें तो क्लिक करके तो हमने तो ज्वाइन कर लिया, और आपके स्क्रीन में तो नंबर ऑफ यूजर्स भी यहाँ पे हम बढ़ते जा देख रहे हैं। रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। पर यही जी स्क्रीन जो है हमारे, आप ये आप वाला स्क्रीन जो है अभी, तो चलो ये जूम मीट चल रहा है तो हमें दिख रहा है आपका, पर मेरे को जी जैसे जी मैंने क्लिक किया तो मेरा जी तो ये अलग से कोई टैब में जी तो खुल नहीं रहा है, खुला जी इसमें आपको कुछ भी मेबी मैम कुछ नेटवर्क इशू हो, लेकिन आपको भी सेम ऐसे ही वीडियो आप देख भी रहे होंगे। काफी सारे लोगों ने एक्सप्लोर भी किया है, यहाँ पे क्रिएट भी कर रहे हैं वो लोग, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, और कुछ मेबी कुछ नेटवर्क इशू हो। ओके। जी आप इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने लिंक शेयर किया। मैंने दो तीन बार इसको रिफ्रेश भी किया, रीलोड भी किया, पर अच्छा, मुझे मुझे आपका स्क्रीन अलग टैब में। जी, मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगी कि अगर आप लोग धीरे धीरे करके अगर वापस जाएं, इसी वजह से मैंने कोलैबोरेशन में चाह रही थी कि आप लोगों को लास्ट में बताऊं। बस विंडो हमें थोड़ी क्लीन करनी पड़ेगी, तभी हम और चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे इसमें। जी धन्यवाद सभी को। बिल्कुल, इसको हम कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, मैं अपने यहाँ से क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग आपस में जब बातचीत करेंगे, जब हम कोई ज्योमेट्रिकल एंटिटी बनाएंगे, तब हम उसपे क्रिएट करेंगे। ठीक है, पूरा विंडो क्रिएट मैम ये सर्कल का जो जी सर, सेंटर अब मैंने करेंगे मैम। बिल्कुल सर, मैं आ रही हूँ एक-एक करके, मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी मैं अभी भी नहीं समझ मिलके। पाया कि बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। सर बच्चों को हम यही सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अभी मैंने लिंक शेयर किया, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर्कल ही ले लीजिए सर, अगर आप सर्कल पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे बच्चों को ये बता सकते हैं, घर में भी या कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ एक एंगल ड्रॉ करेंगे। मैं एक एक मिनट, अगर हम उनको सर्कल जो हमारे पास, जैसे बच्चों अगर टेक से भी नहीं है तो हम कंपास से सिखाते हैं, और सर्कल की डेफिनेशन भी यही कहती है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। पर बिल्कुल यहाँ सर, पर अगर जैसे ही हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें वो लिंक नहीं समझ में आता कि वो मैं कैसे समझेगा। वही समझाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अब मैं सभी को यहाँ से कोलैबोरेशन में डिसकनेक्ट करके अब मैं आपको फीचर्स बताऊंगी हेलो एक-एक मैम, करके। मैम चलिए जी, शेयर मैम ऑप्शन सर्कल के के सेंटर को छोटा करना सिखा व्हाट्सएप दीजिए, थोड़ा सा में बता जी, दीजिए मैं मैम। अभी एक-एक करके सारे फीचर्स बताती मैम हूँ। व्हाट्सएप में शेयर कैसे करें एक बार और बता देंगे प्लीज। कॉपी करके कहीं भी शेयर कर सकती है, पेस्ट कर देंगे। मैम कॉपी नहीं हो रहा है, कॉपी कहाँ से करना है मैम थोड़ा सा बता देंगे तो। जो लिंक था ना, आप Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ मैंने अभी सभी लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया है कोलैबोरेशन से, मैम आप देख पाएंगे। तो अब आप सभी लोग तो इसका प्रयोग तो जान गए हैं, लेकिन इसका जो मैडम यूज मेरा एक है, डाउट, मैडम मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही थी, तो उसका जी चार, हाँ तो चारों पॉइंट के बाद वो स्टॉप में ही नहीं रहा है, तो कैसे चारों स्टॉप करें। पॉइंट के बाद उसको स्टॉप करने के लिए आप एंटर भी क्लिक करेंगे। ठीक है,
ठीक है इस मैम, थैंक यू। जी 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 अब इसके साथ ही हम एक एक करके आगे फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि सब जान पाए इनके फीचर्स। मैम किसी फिक्टर का एरिया निकाल कर बताइए ना। जी सर जी, अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप म्यूट कर लीजिए आपको। जी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर्कल है, सर्कल में हमारे पास अगर हमें क्रिएट करना है क्लिक द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, तो हम लोग एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसको वैसे ड्रैग करेंगे। अब मान लीजिए आप इसकी लेंथ जानना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे पास था ये सर्कल है, इसकी लेंथ आप जानना चाह रहे हैं, तो आपने नीचे देखा या मेजर करके लेंथ में अगर आप क्लिक करेंगे इस एंटिटी के बाउंड्री पे यानी सर्कल पे क्लिक करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी यानी कि सर्कमफेरेंस आ जाएगा 72.90। अगर आप इसी सर्कल का रेडियस जानना चाह रहे हैं तो आप इस पे रेडियस पे क्लिक करेंगे और फिर इस एंटिटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर सर्कल की बाउंड्री या उस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो सर्कल ड्रॉ करा था उसका रेडियस 11.60 था। इसी के साथ साथ नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं रेड कलर का यहाँ जो एरिया लिखा हुआ है, अगर आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप पहले एरिया पे क्लिक करेंगे, देन आप सर्कल एंटिटी पे क्लिक करेंगे, तो इसका एरिया आ गया है 422.86 रुपिंदर सिंह सर, 0.86। मैडम एक क्वेश्चन था। जी सर जो मैडम पहले हम जियो जेब्रा ऐप यूज करते थे जी सर उसमें मैडम एक ना बड़ा बढ़िया फीचर था, अभी अगर हम P2 पॉइंट को मूव करते हैं ना तो पूरा बिल्कुल सर्कल सर, पूरी पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, उसके वो साथ हमारा स्लाइडर का ऑप्शन जो था, जो कंसेप्ट था ना अभी जो इक्वल डिस्टेंस फॉर ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल वो ए मैडम इसमें पॉइंट P2 मूव हो सकता है। ये कहें कि एक ड्रॉबैक है इसका कि इसमें जो आप स्लाइडर वाली जो चीज आप बता रहे हैं ना सर, कि स्लाइडर से जो हम मूव करते थे किसी भी एंटिटी को, यहाँ हम मूव तो कर सकते हैं लेकिन उसका जो एग्जैक्ट अगर हम देखें आप करनी पड़ेगी बच्चों को, कि जैसे रेडियस है तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट प्लॉट करूंगी मैम जैसे मैंने यहाँ इसमें लिखा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत जी जल्दी दो तीन सर्किलों को दिखा करके। जी जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स प्लॉट करी, अगर आप इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं बच्चे को तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम रेडियल ये सेंटर पॉइंट से, तो सेंटर पॉइंट से सेंटर लिया हमने और यहाँ भी ड्रॉ किया, इस तरह से ड्रॉ किया। बट यहाँ थोड़े से ना हिलने के चांसेस हैं, जैसे वहां आप जियो जेब्रा में हम डायरेक्ट यूज कर लेते थे, यहाँ उसमें फिर मैडम अब आप बड़ा उसमें बड़ा एक अच्छा था बनता था, भी अगर हम सर्कल को बड़ा छोटा करते थे ना तो उसके साथ जी रेडियस भी साथ में शो होता था, भी इसका रेडियस भी बढ़ रहा बिल्कुल है अब, और जितने भी रेडियस ड्रा किए हुए हैं उन सभी की लेंथ शो होती थी वहां पर। तो मैन्युअली थोड़ा सा अगर हम कहें कि थोड़ी सी चीजें जो है यहाँ थोड़ी कमी रह जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट बट इसमें एक अच्छी बात ये इसमें स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत मैडम अच्छा एक एक फीचर मैडम सेकंड क्वेश्चन था भी, जब सभी जब हम मैं कोई इस पे कोई ड्रा है। करा था आपको शो हो रहा था भी मैं किस आईडी से शो कर रहा हूँ, कोई कोई नहीं ऐसा सर, कुछ इसमें तरीका। आईडी नहीं शो होती है बिल्कुल भी, मुझे बस इतना शो हो रहा था कि इतने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो कोई अदरवाइज कुछ ड्रा हो रहा है अदरवाइज कोई नेम बस मेंशन हो रहा है। नहीं सर, और कोई उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी फिलहाल इसमें नहीं आ रही थी। इसमें जैसे एनहेंसमेंट अगर वो देखें, जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उन्होंने इसमें क्रिएट करा है जो कि हमारा इंडियन बेसिक, मतलब अगर हम बात करें स्वदेशी टूल है ये जियो जेब्रा, हमारा विदेशी टूल रहा है। इसमें ऑब्वियसली इसमें फीचर्स थोड़े से ज्यादा है लेकिन अगर हम स्वदेशी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए काफी इजिली इसमें जोड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एंटिटीज क्रिएट करके उनको ज्योमेट्री जो है समझाना पढ़ाना बहुत आसान है सर। हेलो हेलो मैम, जी हेलो मैम जी बताइए सर। यार ये इसमें
खंड और जीवा का ऑप्शन नहीं है? त्रिज सॉरी सर, हाँ खंड और जीवा निकालने का ऑप्शन नहीं है? मैडम कोड 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 की बात कर अच्छा रहे हैं। ओके कॉर्ड, ओके सर कॉर्ड का ऑप्शन इसमें नहीं है, बट कॉर्ड आप वैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप लाइन सेगमेंट्स दो अगर पॉइंट आपको दिए गए तो आप उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करके आप कर सकते हैं इसी एज में अच्छा, अगर ये मैम आप। पॉइंट नेम ओवरलैप हो जा रहा है, उसका कोई हाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन? ओवरलैप हो रहा है, जैसे कि अभी मैम हम यहाँ वैसे भी करें। आपने डायमीटर ड्रॉ किया है, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही तो है। जी, सो आप कैसे कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। सर्कल के बाद अगर हम सेमी सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो मैम या इसमें सेमी सेंटर सर्कल का जो साइज है उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है क्या? प्लस आप रेडियस यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपने रेडियस नहीं, यहाँ रेडियस तो हो पे। रहा है मैम, रेडियस समझ में आ गया, बाकी सेंटर जैसे मुझे बड़ा शो हो रहा है और मैं उसे छोटा शो करना चाह रहा हूँ, तो मैम म्यूट हो गए आप, आवाज नहीं आ रहा। जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एडिट पे ऑप्शन आया था मॉडिफाई का, मॉडिफाई पे क्लिक करके जब हम एंटिटी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मॉडिफिकेशन के, देख पा रहे हैं आप सब लोग कि आप कलर फिल कर सकते हैं, इसमें कलर ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कोई एंटिटी क्रिएट कर रही हूँ तो मैं उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, एंटिटी पे फिर से वापस से क्लिक करेंगे, आप उसकी थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइन कलर जो है आप उसको डार्क कर सकते हैं कहीं से, ठीक है सबसे, और ओपेसिटी इसमें भी इवन आप जो लाइन स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, ये सब कलर ऑप्शंस है, थिकनेस है, ओपेसिटी है, फिल कलर है, ये सब फीचर्स है जो हम एंटिटी में यूज करते हैं। सॉरी ये तो लेकिन परिधि के लिए हुआ मैम, मैं सेंटर को पूछ रहा हूँ। सर, सेंटर को अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी सर ऑप्शन आ रहा है थिकनेस, आई थिंक थिकनेस इज, हेलो थिकनेस सर हेलो, इसमें जी क्या? हाँ हेलो, ट्रैक्टर से निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत जी नहीं आप मैडम। प्लीज आप मैं सभी लैप मीटिंग मीटिंग लैप कर सकता हूँ क्या? हमारे यहाँ एक्चुअली में क्या बाढ़ आ गई है, बहुत भयंकर बारिश आ रही है, पानी भर गया घरों में, तो मैं अच्छा मीटिंग ठीक है लैप कर सर, सकता हूँ? जी सर जी ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं उसके साथ ही, रेक्टेंगल फीचर पे देखते हैं। रेक्टेंगल अगर हमें क्रिएट करना है तो रेक्टेंगल हम ये डायगनली हम रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी का अगर हम पेरीमीटर जानना चाह रहे हैं तो हमने नीचे पेरीमीटर पे क्लिक मैम ये सेंटर तो छोटा हुआ है, करा। जी सर सेंटर 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 को छोटा बड़ा करना है उसके लिए मैम, सेंटर जी 235 दिखा रहा है उसका। सर, सेंटर पॉइंट जो है वो इसमें छोटा बड़ा नहीं दिख पाएगा, सेंटर तो जो इन्होंने पॉइंट की जो रेशियो रखी हुई है वही लेंगे अच्छा, वो ऑटो ये। फिल्ड है, ऑटो उसको छोटे फिल्ड बड़े नहीं कर पाएंगे जी क्योंकि सर, जी सर छोटा जैसे अपन बना रहे हैं मैम इसमें, तो उसमें सेंटर ही उसका बहुत बड़ा सा दिख जा रहा है, जैसे मुझे छोटा सर्कल बनाना है, एकदम बड़ा नहीं अच्छा बनाना है, तो सेंटर ही जी बहुत बड़ा हो जा रहा है बीच में, बीच में जैसे आप छोटा अच्छा सर्कल बना के दिखे ना मैम। अच्छा मैं देखती हूँ जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी। जी, इसमें सेंटर पॉइंट जो है, जो पॉइंट है पॉइंट की रेशियो थोड़ी सी बढ़ा रखी है। जी, जी बिल्कुल सर, ये सजेशन मैं उनको जरूर बताऊंगी, काफी सारे सजेशंस हैं, जैसे अभी हमने क्रिएट ही करा है तो इस सजेशन के साथ हम उनको बताएंगे कि इसमें थोड़े से चेंजेस ले कर आए। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सर, इसी के साथ साथ सेकंड जो हम स्लाइडर का भी, जैसे अभी सर ने हमें बताया था कि स्लाइडर ऑप्शन जो कि जियो जेब्रा में काफी अच्छा फीचर था हमारा, वो फीचर भी इसमें इनबिल्ट होना चाहिए ताकि हम बच्चों को जो इक्वल डिस्टेंस वाला जो हम बताते हैं फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इक्वल डिस्टेंस आता है, तो वो चीज हम स्लाइडर में इजिली बता सकते जियो जेब्रा में, वो फीचर भी इसके अंदर होना चाहिए। तो काफी सारे सजेशन हैं जो अभी हम आप हम लोग बल्कि चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ साझा करें कि हम तक आगे बढ़ते हैं।
रेक्टेंगल, जैसे स्क्वायर अगर आपको बनाना है स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे साइड्स जो है मेंशन कर सकते हैं, तो लाइक 15 सेंटीमीटर तक का चाहिए स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा। पॉलीगन अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, आप ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वान्टिटी को क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ पर हम पॉलीगन अगर हम बना रहे हैं, जैसे कि अभी मैम को थोड़ी समस्या आ रही थी, ये मूव करता चला जा रहा है, अगर आप इसको नहीं स्टॉप कर रहे, यहाँ पे भी आप इसको स्टॉप करना चाहिए वहां पे एंटर क्लिक करेंगे वो आपका स्टॉप हो जाएगा। पेंटागन बनाने के लिए डायरेक्ट आप इसकी लेंथ भी मेंशन करेंगे, ठीक है, और एंगल आप जो भी लेना चाहते हैं 45 डिग्री का लिए पेंटागन। सिमिलरली आप हेक्सागन ऑक्टागन ये सब क्रिएट कर सकते हैं। एलिप्स पे आए, एलिप्स में भी लेंथ ऑफ द साइड गिवन आप यहाँ पे यूज कर सकते, 15 एंगल ऑफ रोटेशन लंबी 60 डिग्री, सो मिसलेनियस जो है इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि स्केच की बात करें अभी आपको बताया गया था, इसमें फ्री हैंड स्केच भी है, जैसे ये मैंने अभी ड्रॉ किया है स्केच ऑप्शन, अगर आप खुद से कुछ बना के बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एड टेक्स्ट में आप जो भी मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बॉडी लेटरल्स अगर मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, बॉडी लेटरल्स करके मैंने टाइप किया एड टेक्स्ट में, तो जो भी आपकी एंटिटी होगी उसके ऊपर बॉडी लेटरल्स लिखा जाए, जैसे इसके लिए मैं कुछ और नाम लेना चाहती हूँ, इधर के ऊपर आपका स्पेशल लेना चाहिए। मेजरमेंट के काफी सारे फीचर्स हम यहाँ देख ही चुके हैं, लेंथ, रेडियस, एरिया, पेरिमीटर, ये सब फीचर्स है जो कि काफी यूजफुल है, और इसके साथ साथ उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं जो आप देख रहे हैं ऊपर शॉप पे, जो मोबाइल फोन में भी आप लोगों को शॉप पे नजर आ रही है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंगल का भी है इसमें ऑप्शन, आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके लिए, अगर मान लीजिए क्या क्रिएट कर देते हैं पहले अंडू कर देते हैं, हम इसे हाँ ठीक है, सो एंगल के लिए अगर हम लाइन सेगमेंट लेंथ इसका अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो हमारे पास ऑप्शन है क्लिक 3 पॉइंट्स ऑन द कैनवास, 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो एंगल आप आपके पास इसका एंगल है 66.65 डिग्री। तो काफी सारे फीचर्स हैं जो आप डायरेक्टली बच्चों को समझा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप कोलैबोरेशन फीचर भी सभी को समझ में आ गया होगा, आपको जस्ट क्लिक करना होगा कोलैबोरेट पे, क्लिक करते ही आपके पास शेयर यूआरएल आ जाएगा। शेयर यूआरएल में आपको जो भी यूआरएल आप देख रहे हैं नीचे कॉपी एंड पेस्ट लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करते ही ये कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद आप किसी को वाया मेल भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको अगर आपने ये लिंक कॉपी कर लिया तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यही सब फीचर्स हैं, और रियल टाइम कोलैबोरेशन है जो कि कोलैब जियो टीम के अंदर है, और ये जो बिल्कुल आपका दीक्षा पे अवेलेबल है, दीक्षा पे क्लास 6 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप अनन्या जी, आई हैव टू क्वेरीज, वन प्लीज रिपीट कोलैबोरेशन ऑप्शन जी, जम्मू कश्मीर से साइमा शफी जी जी, आप मैम, जी मैम बताइए मेरा एक कंफ्यूजन है, जी बताइए जब जब कोलैबोरेशन में सारे मतलब कोलैबोरेट करते हैं, मतलब बट गेट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन, मतलब किसके स्क्रीन पे, मतलब जैसे अभी हम कोलैबोरेट कर रहे थे, मेरा स्क्रीन कहीं पे शेयर नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे आपका स्क्रीन हो रहा था शेयर। जी बिल्कुल, क्योंकि आप में हो सकता है आपने कोई एंटिटी क्रिएट नहीं करी होगी, जब मैम आप मैंने अपनी की एंटिटी ना मैंने की थी एंटिटी क्रिएट, और मेरा स्क्रीन भी मतलब वहां पे विजिबल था,
लेकिन आपके स्क्रीन पे मेरा स्क्रीन कहीं पे विजिबल नहीं था, मतलब वो मुझे कंफ्यूजन कि किसका स्क्रीन विजिबल होता है और किसका नहीं आता है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की जो स्क्रीन है वो मेरे पास नजर आएगी। जी मैम, मेरे साथ जुड़ गए थे सब, कॉमन चीजें ही बना रहे थे, सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। अराउंड 27 लोग हमारे साथ जुड़ गए थे। 27 लोग अगर सर्कल बनाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन सा, क्योंकि कलर ऑप्शन हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन से कलर का है। तो ये छोटू हो गया, आप ये कर सकते हैं 2 से 3 बच्चों को या 4 से 5 बच्चों को, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कैसा क्रिएट करता है, वहां ओके पे मैम। ज्यादा यूज। जी मैम, मैम एक और ही क्वेश्चन, ये मेरा और ही क्वेरी है। जी, मैम एक तो बताइए। कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन पे जियो जेब्रा से अलग है, मैम कोई जी और ऑप्शन है जहाँ पे जियो जेब्रा, जैसे कि वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मैम, बिल्कुल, जी मैम और कोई ऑप्शन है जहाँ पे ये डिफर कर रहे हैं मैम? और जो एक्चुअली ऑप्शंस जी मैम, इसको मेन जो मैम पर्पस है जैसे दीक्षा पे लाने का, क्योंकि दीक्षा पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एक्सेस करते हैं, लॉग इन है सब लोग दीक्षा का यूज करते ही है, दीक्षा का यूज करते करते, यानी कोई टेक्स्ट जो है उसको देखते देखते जो बच्चा से जरूरी इस टूल को जरूर यूज करेगा। जो जिक्र तो कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन कोलैब जियो शिक्षा पे लाने का एक और जो मोटिव है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर इसकी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको स्टूडेंट को इसका जो इंटरैक्टिव जो टूल है उसका इस्तेमाल करें, और जो उनका मैथमेटिकल सेशन है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। दो जो मेन फीचर है जो इसको थोड़ा सा जियो जेब्रा से अलग करते हैं, इजिली अवेलेबल है शिक्षा। इसी के साथ साथ ये सेशन भी खत्म हो रहा है, सब लोग मेन सेशन में जाने वाले हैं। मैम मैम, हेलो।